हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड इस वाले वीडियो में मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ मोबोक सिमुलेटर में जो अपकमिंग अपडेट है ना, जो अभी हम लोग का आने वाला है और जो अभी आया है। कल परसों में एक अपडेट आया, अगर तुम लोगों ने अपडेट नहीं किया अपने मोबोक सिमुलेटर को इंटरनेट कनेक्शन लगा के, तो उसको अपडेट कर लो और मैं तुम लोग को बताऊंगा कि क्या अपडेट में आया मोबोक सिमुलेटर के और कौन कौन सा अपडेट आने वाला है गाइस। तो ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना। चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, फिर उसके बाद मैं इसका भी स्टोरी बताऊंगा कि ये जो मेरा प्ले बटन है ये मैंने कौन से चैनल से अर्न किया है। तो गाइस प्लीज लाइक कर देना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। या आया गाइस, हमने यहाँ पे लिखा मोबोक एम्युलेटर। अगर तुम लोग को पता नहीं गाइस कि मोबोक एम्युलेटर में अपडेट आया, तो अपडेट एक बार इसको इंटरनेट कनेक्शन लगा के इसको एक बार अपडेट कर देना। वैसे खुद ही ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है मोबोक एम्युलेटर का ना, ये बात है, खुद ही अपडेट हो जाएगा ये। अभी देखो गाइस यहाँ पे, अब हम लोग जैसे ही पैच नोट्स में आएंगे ना, अभी पैच नोट्स में हम लोग को दिख जाएगा। ये देखो जनवरी 12 अभी जनवरी 14 हो गया, ये जनवरी 12 ही को अपडेट आ गया और हम लोग को पता भी नहीं कि अपडेट में इन लोगों ने क्या क्या फिक्स किया। ये देखो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि नीचे क्या क्या फिक्स हुआ है। देखो फिक्स DXV के कॉन्फ़िगरेशंस हुआ है, अपडेट DXV के DEV वाला वर्जन हुआ है, और उसके बाद बॉक्स 64 और बॉक्स 86 वर्जन इन्होंने ये भी अपडेट किया है। उसके बाद एडिड टर्निप 3.5 में, मतलब वर्जन 3 जो टर्निप है ना, अगर तुम लोग अब उसमें 7th Gen 2 जो प्रोसेसर है उसको प्ले करोगे, मतलब पोको F5 हो गया ना, तो अगर प्ले करोगे तो बढ़िया चलेगा, लेकिन यूज़ करना टर्निप वर्जन 3 में। और इसके बाद गाइस देखो जनवरी 13 में भी हम लोग को कल अपडेट आया, तो मेरे को लगा भाई ये वाला इंपॉर्टेंट है भाई वीडियो बनाना। अभी एंड्रॉयड 13 प्लस में भी हम लोग का मोबोक्स वर्क करेगा, मतलब कि अगर तुम लोग का एंड्रॉयड 14 है ना गाइस, डोंट वरी, उसमें भी एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। नॉट फॉर ऑल डिवाइस, ये तो तुम लोग को ही पता होगा कि ये हर डिवाइस के लिए तो ऐसा नहीं है कि हम लोग हर डिवाइस में चला दें मोबोक्स सिमुलेटर, क्योंकि भाई अभी तक का सबसे हाई एंड एम्युलेटर है मेरे नज़रिए में, और एक्सेप्ट यूजू एम्युलेटर से भी हाई है ये। तो आ गया अभी हम लोग, और अभी गाइस देखो अपडेट में क्या आने वाला है, ठीक है। देखो लिख रखा है प्लान्ड फॉर नेक्स्ट अपडेट, मतलब कि गाइस ये आ जाएगा हम लोग का 10 से 15 दिन में अपडेट आ जाएगा। और इस अपडेट में क्या है देखो गाइस, उसमें क्या आएगा, ई सिंक फॉर ऑल यूजर्स। जैसे कि अभी हम लोग ये आ गए, ये देखो ये आ गए ना, अभी हम लोग ये कमांड ऐसे कॉपी करके इसको हमने ऐसे पेस्ट करते हैं इसमें, ये देखो ये आ गए, थोड़ा सा बैक कर लो, और यहाँ पे हमने और एक बार बैक कर दिया, यहाँ पे आ गए हम लोग। अभी हम लोग ने ये ईसिंक वर्जन 1 हमने सेलेक्ट करके फिर उसको मोबोक सिमुलेटर को रन किया ना अभी, जिससे एम्युलेटर बूस्ट अप हो जाता है। लेकिन ये अभी क्या है ना कि किसी किसी डिवाइस में वर्क करता है, मैंने अधिकतर ये देखा है मेरे कमेंट सेक्शन में, कई सारे बंदे बोल रहे भाई वर्क नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, लेकिन गाइस तुम लोग के लिए वर्क करेगा। अभी तुम लोग बस पैच नोट्स में आ जाओ, एक बार इसको नीचे स्क्रॉल कर लो, ठीक है। ये अभी अपकमिंग अपडेट है, ठीक है, ये अभी अपकमिंग अपडेट है फॉर ऑल डिवाइस के लिए। आई होप जो ये वाला वीडियो है तुम लोग को इंपॉर्टेंट लगा हो। और थोड़ा सा बैक कर लेते हैं, अभी हम मोबोक सिमुलेटर में जाके देखते हैं कि अंदर क्या क्या अपडेट आया। वैसे अंदर तो कुछ अपडेट्स हम लोग को दिखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्या है। यहाँ पे ये कर लिया गाइस हम लोगों ने स्टार्ट वाइंस, और अभी मैंने यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट किया इंस्टॉल में, यहाँ पे तो तुम लोग को बताइए, ये सब तो हम लोग का हार्डवेयर वर्जन है, ये हार्डवेयर रेंडर है ना, और ये सॉफ्टवेयर रेंडर है, मतलब कि ये जो रेंडर है गाइस, ये अगर तुम लोग का डायमेंसिटी प्रोसेसर है ना, एक्जीनोस प्रोसेसर है, तो उसमें ये सब काम करते हैं। और वो कैसे करेंगे गाइस, ये देखो पहले गाइस तुम लोग को मोबोक्स रन कर लेना, उसके बाद ये जो वर्जियल वाला ये जो ऑप्शन आ ना, वर्जियल मेसा 24 ऐसे सेलेक्ट करने के बाद, फिर इसके बाद तुम लोग को ये जो सॉफ्टवेयर वर्जन है ना, इससे तुम लोग को रन करना पड़ेगा डायमेंसिटी प्रोसेसर के लिए। और गाइस डायमेंसिटी प्रोसेसर में तो तुम लोग को पता ही, हार्डवेयर रेंडर तो है नहीं इसमें, सॉफ्टवेयर रेंडर मिलेगा, और सॉफ्टवेयर रेंडर में भाई 5 से 10 फ्रेम चलेगा गाइस, तो इसीलिए ना उनमें भी आया है गाइस, उनमें भी GPU ड्राइवर आया है मोबोक्स सिमुलेटर के लिए, लेकिन अभी 2 GPU के लिए आया है मोबोक्स रेंडर के लिए। मैं उनका तुम लोग को नाम भी बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैं उस 2 GPU का नाम भी लिख दूंगा कि कौन कौन से GPU के लिए ड्राइवर आ गया है डायमेंसिटी के, कौन कौन से GPU के लिए ड्राइवर आ गया, मतलब माली एक तो 6 ऐसे कुछ समथिंग है, एक 7 का है कोई सीरीज, तो उनके लिए आ गया, तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में नाम बता दूंगा, अगर तुम लोग का वो है तो तुम लोग चेक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी तुम लोग को ना ट्यूटोरियल का जरूरत पड़ेगा। अभी देखो गाइस यहाँ पे है ना वर्जन 4 में फास्टर लिखा गया, और वर्जन 3.5 में हम लोग का बेटा A7XX ऐसे कुछ चल रहा है, तो मतलब कि ये हम लोग का हो गया 7th Gen 2 के लिए हो गया, 8th Gen 1 के लिए हो गया, 8th Gen 2 के लिए हो गया, तो ये उन सब के लिए है। और ये तुम्हारा तो फॉर ऑल है गाइस, ये मेरा इवन 8th Gen 2 अभी प्रोसेसर है, तो फिर भी मैं वर्जन 4 ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि ना ये स्लो है गाइस और नीचे वाला फास्टर है। और गाइस अगर बात हम लोग इसका करें, तो ये हम लोग को मिला है, देख सकते हो स्पाइडी पबजी मोबाइल लाइट, मेरा 2 लाख लगभग मेरे चैनल में सब्सक्राइबर है अभी, और मैं ना उसमें पबजी लाइट स्ट्रीम करता था, तो क्या हुआ कि पबजी लाइट अभी बैन हो गया, तो हम लोग ने ना वो वाले चैनल अभी बैक में रख दिया, और मैं ये वाले चैनल को अभी सोच रहा हूँ कि ये वाले चैनल को ग्रो करूँ,
तो वही है कि अभी ये गेम बैन है, तो जैसे ही ये गेम अनबैन लगेगा तो गाइज हम लोग फिर से स्ट्रीम करेंगे अपने उस वाले चैनल में। और वो वाला चैनल मैंने अभी यूट्यूब से हाइड कर रहा है गाइज, तो ठीक है यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिख रखा है। गाइज कभी हो सकेगा ना तो इसके ऊपर ना मैं कभी डिटेल्ड रिव्यू बनाऊंगा, ठीक है, डिटेल्ड रिव्यू।